दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से मैं अपने शहर कुरुक्षेत्र में हूँ और यहाँ पर एक बहुत विख्यात हिस्टोरियन हैं। हम उनसे पहले मिल चुके हैं, आप सबके वो परिचित हैं, डॉक्टर रघुवेंद्र तंवर जी। पिछली बार हमने उनसे बात की थी पार्टीशन के बारे में, उनकी एक महत्वपूर्ण किताब उस विषय पर रही है, और आज उनकी ही एक और किताब जो कश्मीर पर है उसके बारे में हम चर्चा के लिए उनके पास हैं। इस किताब का पहला विचार आपके जहन में कब आया था? इसी ये किताब का जो पहला आइडिया है, वैसे तो कहूँ तो 10 साल लगभग पहले था। 2008 में मैं श्रीनगर में था जब अमरनाथ यात्रा का झगड़ा हुआ, तो बेसिक आइडिया तो वहाँ से जनरेट हुआ। एक्चुअल काम मैंने इस किताब पर लगभग 6-7 साल पहले शुरू किया, और मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए आपको कि ये जो रिज़ल्ट हुआ इस किताब में जिस रूप में आई है, तो इसको दो लीडिंग पब्लिशर्स ने पब्लिश किया है। इंडिया में मनोहर पब्लिशर्स हैं, बड़े रिप्यूटेड हिस्ट्री के पब्लिशर हैं, और इसका जो वर्ल्ड एडिशन है वो रूटलेज यूके ने किया है जी। सो मेरे लिए भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये एक बात है कि इस किताब की बेसिक जो अप्रोच है, हिस्टोरिकल प्रोसेस जो मेथडोलॉजी अडॉप्टेड है इस किताब में, उसको इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड, पीयर रिव्यूड जो है, तो एक अच्छी चीज़ आई। नई किताब है एक तरह से, 2019 में ये आई है, और अभी कुछ ही रोज़ पहले इसको नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम में रिलीज़ किया गया था इस किताब को जी। और अगर आप रिलीज़ के बारे में कुछ बताना चाहें तो कौन डिग्नेटरीज थी वहाँ पे? इस किताब के रिलीज़ में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात कि वो उधमपुर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा में, और एक बड़े अच्छे 25 साल मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर रह चुके हैं, बड़े डिस्टिंग्विश्ड आदमी हैं। उन्होंने इसको रिलीज़ किया था। इस किताब में चेयरमैन ICHR, डायरेक्टर नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम शक्ति सिन्हा जी, चेयरमैन ICHR जो प्रोफेसर जमखेतकर, देंजवरलाल कौल जी जो कश्मीर में लगभग 50 साल उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया और एक्सप्रेस को रिप्रेजेंट किया, और अनेक लोग इसमें उपस्थित थे जी। अच्छा, एक आप ये बताएं कि एक विचार आता है जहन में, फिर उसके ऊपर काम जब आपने शुरू किया तो वो कब काम शुरू होता है, और फिर वो किन सोर्सेज की आपने मदद ली, किन लोगों से मिले, कौन सी जगहों पर गए, उसके बारे में कुछ प्लीज़ बताएं। बेसिकली ये किताब कश्मीर पर बहुत लिखा गया है, बहुत एमिनेंट लोगों ने लिखा है, बहुत स्टैंडर्ड की पब्लिकेशंस हैं कश्मीर पर, तो पर ये किताब थोड़ा सा हटकर है। बेसिकली मेरा आइडिया इस किताब में ये था कि कंटेम्प्रेरी पॉइंट ऑफ व्यू को हम इसमें उठाएं। कंटेम्प्रेरी पॉइंट ऑफ व्यू को उठाने के लिए आपको सोर्सेज उसी हिसाब से देखने पड़ेंगे। इस किताब में मैंने उन्हीं बातों को उठाया है जो 47 से लेकर 53 के बीच में जो आम विचार है। अगर दो लाइन में आपको बताऊं तो किताब का जिस्ट ये होगा कि आम आदमी 1947 और 53 के बीच में क्या चाहता था, आम कश्मीरी क्या चाहता था, क्योंकि एक नैरेटिव, एक बेसिक हिस्टोरिकल नैरेटिव का जो प्रोसेस है उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। तो ये चीज़, ये आइडिया आप मुझे जनरेट, जैसे मैंने आपको बताया कि 2008 में मुझे लगा भी आम कश्मीरी तो इस एजिटेशन में इन्वॉल्व नहीं था, तो 47 से लेकर 53 का जो एक्चुअल नैरेटिव है, इन द सेंस इसी नैरेटिव को पकड़ने के लिए आप अनेक सोर्सेज को टच कर सकते हैं। प्राइमरी कॉरेस्पॉन्डेंसेज हैं, लेटर्स हैं, उस ज़माने की छपे हुए आर्टिकल्स हैं मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स हैं, जो नॉर्मली छोटी छोटी पुस्तकें हैं। आपको आश्चर्य होगा जानकर सैकड़ों पुस्तकें हैं जो पढ़ी हुई हैं लाइब्रेरीज में, अक्रॉस द कंट्री पढ़ी हैं, कलकत्ता की नेशनल लाइब्रेरी में हैं। बहुत समय मैंने अलमा इकबाल लाइब्रेरी कश्मीर में कहा, श्रीनगर में काम किया, वहाँ की स्टेट आर्काइव्स में काम किया, अलग अलग बुक शॉप से उठाई मैंने छोटी छोटी पुस्तकें जो मेन स्ट्रीम हिस्ट्री की राइटिंग्स में बिल्कुल आपको नहीं मिलती हैं, किसी ने उनको पढ़ा नहीं है। अब 1947 में पहुँचने के लिए ये एक बेस्ट तरीका है कि उस ज़माने के लोग क्या लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए लेटर टू द एडिटर, आप किसी न्यूज़पेपर के लेटर को लिखते हैं तो उसमें मतलब वो व्यू आ जाता है कि उस ज़माने वो क्या सोच रहा है व्यक्ति इसके बारे में। इस प्रकार इस तरह के सोर्सेज हैं इस किताब के जी। जी अच्छा, एक मुझे ध्यान आता है कि पिछली बार जब हमने बातचीत की थी पार्टीशन ऑफ पंजाब के बारे में, उसमें भी एक बातचीत का पूरा जो एक विमर्श रहा, एक जो उस किताब के माध्यम से तस्वीर उभर कर आती है, वो यही है कि आम आदमी उस वक्त कहाँ खड़ा था,
और उसके ऊपर किस तरह से गुजरी। तो आप इस किताब को भी उस तरह से जोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके एक व्यापक फलक पर उपादेयता बनती जी, है जी, इसी विकास कश्मीर जिसको आज हम समस्या कह रहे हैं, मैं कश्मीर को समस्या नहीं मानता, एक इशू है। समस्या और इशू में थोड़ा अंतर है जी। एक इशू है, एक मुद्दा है, अब उसको आप समस्या के रूप देखें वो एक अलग बात है। पर इसको समझने के लिए, सारी हिस्ट्री को समझने के लिए मैं थोड़ा सा 2-3 मिनट आपसे लेकर आपको पर्सपेक्टिव में डालता हूँ इस चीज़ को। देखिए, सबसे पहले तो कश्मीर का हिस्टोरिकल प्रोसेस है, आप उसको समझना होगा। कश्मीर का मेन रूप से पाकिस्तान क्या कहता है कि वहाँ कश्मीर में मुसलमान बहुमत है। उस बात को अगर आप हिस्ट्री के प्रोसेस से देखें, अगर मैं, हालांकि मैं पर्सनली इन लाइन पर नहीं चलता कि मुसलमान हिंदू, मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है राइटिंग का, पर उसको भी अगर आप नापते हैं तो कश्मीर में लगभग 1500 साल तक हिंदू रूलर्स ने रूल किया है, चाहे वो इस्लाम के आने से पहले या बाद में है। ठीक है, कश्मीर के जो मूल पिलग्रिमेज साइट्स हैं, जो तीर्थ यात्राएं हैं, उनका वर्णन हमें 2000 साल पूर्व मिलता है। शंकराचार्य टेम्पल का वर्णन 2200-2400 साल पहले मिल रहा है। कश्मीर में अनेक ऐसी यात्राओं के मार्ग हैं, तीर्थ यात्राओं के मार्ग हैं, जिनका वर्णन 2000 साल पहले मिलता है। कश्मीर की तीर्थ यात्रा करने का जो ये जो विचार है, या नई बात नहीं है, ये श्रीनगर को ही अशोक ने, आई मीन दिस मे कम एज अ सरप्राइज कि श्रीनगर की स्थापना ही अशोक ने की है। महाराज ललितादित्य का नाम शायद आपने सुना नहीं होगा जी। वो शायद इंडियन हिस्ट्री के सबसे ग्रेटेस्ट हिंदू रूलर रहे। हिंदू रूलर अगेन एज आई एम सेइंग कि हिंदू रूलर इन द सेंस कि सारा सेंट्रल एशिया का बहुत बड़ा पार्ट, सब कॉन्टिनेंट का बहुत बड़ा पार्ट, ही इज रूलिंग ओवर दैट। कश्मीर इज द मदर ऑफ द मदर लैंड ऑफ संस्कृत, यानी संस्कृत भाषा जिसको आज हम अपने मातृभाषा मानते हैं, देश की मातृभाषा के रूप में देखते हैं, उसका जन्म कश्मीर में होता है। और मुझे तो सर कई बार लगता है कि जो श्रीनगर, अगर नाम को भी देखें तो विशुद्ध संस्कृत, वैसे तो सैकड़ों में आपको उदाहरण दे सकता हूं, पर मूल बात से मेरा सिर्फ कहने का अभिप्राय यह है कि कश्मीर के हिस्ट्री को देखने के लिए हिस्टोरिकल लेगेसी समझना जरूरी है। आज कश्मीर का इशू इसलिए इशू है क्योंकि वहां समुदाय अधिकतर मुसलमान है और वहां हिंदू, सी बेसिक प्रॉब्लम पाकिस्तान का क्या था कि हिंदू रूलर डिड नॉट एंजॉय द राइट टू डिसाइड ऑन बिहाफ ऑफ हिज पीपल, क्योंकि वो हिंदू था और वहां का समुदाय मुसलमान था। उस जमाने में भी ज्यादा मुसलमान बाकी भारत में थे, आज भी ज्यादा मुसलमान बाकी भारत में है। सी, ये तो एक रूप है। कश्मीर का दूसरा पहलू समझना जो अमूमन अधिकतर लोगों को पता नहीं है, कश्मीर की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसको आपको पर्सपेक्टिव में देखना होगा। विश्व का इतना इंटरेस्ट क्यों है कश्मीर में? सी, कश्मीर को नेचुरल, अगर आप मैप के रूप में भी देखें, हमारे तो ऊपर है ही एक तरह से, बट कश्मीर को 1902 में एक किताब आती है जिसको द लैंड वेयर थ्री एम्पायर्स मीट, इट इज द पॉइंट वेयर चाइना, रशिया एंड इंडिया आर मीट, इंडिया इन द सेंस ब्रिटिश इंडिया आर मीटिंग। थ्रू आउट 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में, संपूर्ण 19वीं शताब्दी में जो ब्रिटिश रूल है इंडिया में, वो एक बात का हवा है उसके ऊपर, रशिया का। रशिया एक बड़ा पावर है, रशिया दक्षिण में आना चाहता है, रशिया के उत्तर के अंदर सारे समुद्र बर्फ से जमे हुए हैं, उसको एक वार्म वाटर ओपनिंग चाहिए। और हमेशा सारी तीन अफगान वॉर हुई, तो कश्मीर एक एपी सेंटर है, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जो अमूमन कश्मीर के बारे में जो जानी नहीं जाती। सी, आई हैव सीन आर्टिकल्स, मैंने इस किताब में जिक्र किया है, न्यूयॉर्क टाइम्स इज डिस्कसिंग, लाइफ मैगजीन इज डिस्कसिंग, रेफरेंसेज एज अर्ली एज 1940s, यहाँ तक है कि कुछ न्यूज़पेपर्स तो कोल्ड वॉर, जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में, तो एक बाइपोलर, एक यू नो द वर्ल्ड जो है वो एक बाइपोलर वर्ल्ड हो गया। सो यू हैव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कोल्ड वॉर, जो शीत युद्ध जिसको हम कहते हैं, मूल रूप से शीत युद्ध का क्या अभिप्राय कहेंगे कि रूस एक तरफ है और साम्यवादी ताकतें और दूसरी एंटी साम्यवादी। तो सारा उस इसी आज हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में ये चीज़ अच्छी समझ नहीं आएगी, पर एक ज़माना ऐसा था कि पड़ोसी राज्यों को हड़प लो, उसको हड़प लो,
नो ये मिला लो अपने साथ, आज ये संभव नहीं होगा। सो अगर आज हम कहें कि भी दिस कंट्री कैन ऑक्यूपाई दैट कंट्री, सी ये पॉसिबल एक मेंटल साइक में एक्सेप्टेबल नहीं, वो समय जा चुका, वो समय जा चुका है। सी एक जमाना था, कॉलोनियलिज्म था, उपनिवेशवाद था, और नेशन अभी सामने बन के उभर रहे थे, नेशन स्टेट्स इमर्ज हो रहे थे, नेशन स्टेट्स की डेफिनेशन डिफाइंड नहीं थी, बाउंड्रीज क्लियर नहीं थे। तो कश्मीर को तो बल्कि सोवियत यूनियन पर हमला करने का एक अड्डा माना गया है कुछ मीडिया में। सो दैट इज वन रीजन, दिस इज वन पर्सपेक्टिव ऑफ कश्मीर। सी अंग्रेजों ने भी जब कश्मीर को, आप मान कहेंगे ना कि सर अंग्रेजों को कश्मीर ने क्यों बेच दिया डोगरा रूलर्स को, जी सी अंग्रेज ने जो कश्मीर को बेचा वो केवल एक बफर स्टेट बनाने के लिए। हिस्टोरिकल प्रोसेसेस में हम बफर स्टेट का कॉन्सेप्ट होता है कि दो बड़ी शक्तियों के बीच में एक छोटी शक्ति डाल दो ताकि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ना हो। सो बफर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, और ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि अंग्रेजों ने कश्मीर को डोगरा रूलर्स को दे दिया, गुलाब सिंह को दे दिया, तो उनकी रुचि वहां का, ऐसा नहीं है, बल्कि डबल हो गई। पहला रेजिडेंट जो है अंग्रेजों का 1879 में कश्मीर में बैठ जाता जाकर। सो दे आर मेंटेनिंग उतना ही इंटरेस्ट, बल्कि ज्यादा इनडायरेक्ट हो गया। सी शेयरिंग, हैविंग पावर बट नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक कॉन्सेप्ट है ना कि सत्ता मेरे पास रहे पर जिम्मेवारी किसी और के कंधे पर रहे। यू मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग कि बहुत बड़ी मात्रा में जो आम जनता है किसी भी देश की, 47 में बात का हम कर रहे हैं, उसका विचार जो है वो कहीं रजिस्टर नहीं होता है। विचार उसी का रजिस्टर होता है जो पढ़ा लिखा है। अब फॉर एग्जांपल 47 में आप ट्रिब्यून के एडिटर को लेटर लिखना चाहते हैं, आप 10 पैसे का आप डाकखाने में जाएंगे, 10 पैसे का आप पोस्ट कार्ड बैठ कर लिखेंगे, उसको पोस्ट करने जाएंगे। सो वो हमारे लिए जो आदमी इतना एफर्ट कर रहा है उसके व्यू को जानना बड़ा ज़रूरी है। इसी तरह से बहुत छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, बहुत छोटे छोटे मैगजीन में व्यूज छप रहे हैं, तो कंटेम्प्रेरी पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए आपको उन्हीं सोर्सेज पर जाना पड़ता है। इस किताब का बेसिक 90% सोर्सेज किताब का वो है जो अनसाइटेड है। हिस्टोरिकल प्रोसेस में, मेथोडोलॉजी में जो हम अनसाइटेड सोर्स कहते हैं कि उसका मतलब ये कि पूर्व, इससे पूर्व बहुत कम लोगों ने या बिल्कुल किसी ने नहीं उस सोर्स को टैकल किया है। इस पर मेरे 5-6 साल लगे हैं। देश भर की पुरानी लाइब्रेरीज को मैंने इसमें गया हूँ, हैदराबाद, कैलकटा, श्रीनगर तो अनेकों बार, तो वहाँ से पड़ी हुई हैं डस्टी, शिमला में 2-3 दुकानें पुरानी किताबों की पड़ गई, मिल गई, छोटी सी पुस्तक है पर इतनी इन्फॉर्मेशन उस किताब से मिलती है। किताब का जो मुद्दा है उसके ऊपर भी हम आएंगे, पर उससे पहले आपके कश्मीर में बहुत सारे दोस्त रहे होंगे जिन्होंने मदद की होगी इस काम में। सी मेरे बहुत मित्र हैं, बहुत कश्मीर यूनिवर्सिटी में बहुत फ्रेंड्स हैं, और बेसिक आइडिया जैसे कोई भी हम लोग, कोई भी हिस्टोरियन जानता है, हिस्ट्री का स्टूडेंट जानता है कि हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं हम पहले काम शुरू करने से पहले। सो वी थ्रो द आइडिया, आप बैठे हैं मेरे साथ तो मैं, मेरे मन में कोई बात घूम रही है, वो मन का एक प्रैक्टिकलिटी क्या है, आई विल थ्रो दैट आइडिया टू विकास, ये मैं सोच रहा हूँ, तो आपका व्यू मैं लूँगा इसमें। मैं जहाँ मैं आता हूँ जाता हूँ, जिन लोगों ने मेरी बहुत मदद करी है जी, आर्काइव्स में जाना, श्रीनगर आर्काइव्स तो अगर आप जाके देखें तो मतलब यू विल बी शॉक्ड किस स्टेट में है। तो मेरी हाइपोथेसिस को टेस्ट मैंने अपनी प्रीफेस में जिक्र किया है उन मित्रों का। अच्छा, अब सर हम एक बार इसके जो किताब है इसके शीर्षक पे हम बात करना चाहेंगे जी। इसमें आप लिखते हैं कि बी क्लियर, कश्मीर विल वोट फॉर इंडिया, ये फ्रेज आपने कहाँ से उठाया? सी ये जो टाइटल है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ पहले इस बात पर, थोड़ा सा मैं इससे पहले मैं जी 2 मिनट आपसे और मैं किसी विषय को एक्सप्लेन करूँगा। 47 अक्टूबर में एक इन्वेजन होता है कश्मीर का। वेस्टर्न हिस्टोरियोग्राफी ये कहती है कि वो एक इंटरनल रिवोल्ट था अगेंस्ट महाराजा हरि सिंह, और वो लोग नाखुश थे पूंछ एरी क्या दी, लंबी कहानी है वो, और ये तो पाकिस्तान का इसमें कोई लेना देना नहीं है। पहली बात तो ये है कि मैंने क्लियरली इस्टेब्लिश इसमें कर दिया है कि ये तो टोटली पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड इन्वेजन है, ये मॉनिटर्ड पाकिस्तान है, पाकिस्तानी ऑफिसर्स इसको कंट्रोल कर रहे हैं, पाकिस्तानी डिप्टी कमिश्नर्स रूट्स को सप्लाई कर रहे हैं, ट्रक्स को एक्वायर कर रहे हैं, स्कूल्स खाली करा दिए हैं कबीलों को रुकाने के लिए, ओके, तो उनको यूनिफॉर्म सिलाई जा रही है, तो सारा कुछ कंप्लीट हैवी आर्टिलरी का यूज जो सारा का सारा है वो पाकिस्तान आर्मी इसको मॉनिटर कर रहा है। 20 साल पूर्व तक पाकिस्तान इसको डिनाई करता था, 25-1 साल पूर्व तक पाकिस्तान ने हमारा कोई लेना देना नहीं है। 25-1 साल पहले एक बहुत अच्छी किताब आई, मैं आई एम फॉरगेटिंग द नेम, कराची से, जिसमें कहा भी नहीं वी डिड हैव अ रोल। सो नाउ वो तो एक एकेडमिक डिस्कशन है कि पाकिस्तान का रोल था या नहीं था, अब तो क्लियर है कि था। इट वॉज टोटली एंड वी वर टेकन बाय सरप्राइज, आश्चर्य की बात यह है कि देश वॉज वी वर टेकन बाय, वी वर शॉक्ड इन फैक्ट।
वी डिड नॉट नो हाउ टू रिएक्ट. अगर वो डिटेल्स में जाएं आप किस प्रकार से सेना गई, वो एक लंबी बहुत सी ऑथर्स ने उसको डिस्कस किया है. बट आई हैव डेल्ट विद द पॉइंट कि इस इन्वेशन में हुआ क्या. जो यूजुअली साइट जो है दूसरे ऑथर्स ने जिसको मिस किया है. इसी फॉर एग्जाम्पल ये अज्यूम्ड था पाकिस्तानी कमांडर्स का कि जब आप श्रीनगर पहुंचेंगे तो आपको वहां के मुसलमान समुदाय से सपोर्ट मिलेगी और हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा. और सामान्य बात है, कॉमन सेंस भी है ये कि बाकी मिलिट्री हिस्ट्री, जो भी मिलिट्री हिस्ट्री पढ़ता है उसको पता है कि अगर लोकल पॉपुलेशन की सपोर्ट नहीं है तो आपका काम डबल मुश्किल हो जाता है, और अगर है तो आधा आ जाता है. तो पाकिस्तानी कमांडर्स अपने हेडक्वार्टर्स को वापस रिपोर्ट दे रहे हैं कि यहाँ तो सब लोग ये तो इकट्ठे खड़े हैं, हिंदू मुसलमान सिख सारे इकट्ठे खड़े हैं, और वो तो हमें जिहादी देख ही नहीं रहे हैं, वो तो हमें इन्वेडर्स मान रहे हैं, वो तो हमें दुश्मन मान रहे हैं. तो दिस इज़ द फर्स्ट जिस्ट ऑफ दिस बुक कि इन्वेजन में कश्मीर के मुसलमान ने पाकिस्तानी मुसलमान को दुश्मन के रूप में देखा है. ये मैंने डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पर साबित किया है दैट इट वॉज नॉट ट्रीटेड एज एन इन्वेजन ऑफ ऑफ यू नो ऑफ अ फ्रेंडली कंट्री बट इन्वेजन ऑफ एन एनिमी. सो दिस इज द फर्स्ट बेसिक जिस्ट ऑफ दिस. और कहीं ना कहीं फिर जनता वो हमारी सेना के साथ खड़ी हुई जब वो मौका आया. यही नहीं, बचाओ फौज एक यू नो दिस वाज अ कॉमन टर्म इन कश्मीर 47 में. बचाओ पाकिस्तानी जो कश्मीरी मुसलमान है वो भारतीय ट्रूप्स को बचाओ फौज कहता है. बचाओ इन द सेंस इन्होंने हमारे घर बचाए, इन्होंने हमारी महिलाओं को कब्जा होने से बचाया. जिस तरह से बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी कहा गया, मुक्ति वाहिनी का बचाओ फौज. तो इंडियन आर्मी, ये भी एक थ्योरी है कुछ वेस्टर्न स्कॉलर्स की कि इंडियन आर्मी वॉज नॉट वेलकम, इट वॉज नॉट रिसीव वेल. दिस इज कंप्लीट नॉनसेंस. कंटेम्प्रेरी रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि भारतीय सेना का पूर्ण रूप से हार्दिक स्वागत किया गया श्रीनगर उतरते ही. जी, अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि हालांकि इस बारे में विस्तार से जानने के लिए हमें पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी, पर फिर भी अगर हम फिलहाल के लिए बातचीत करना चाहें, हमसे कश्मीर के मामले में गलती कहाँ से होनी शुरू हुई. सी गलतियाँ जो है ना विकास, मैं ये नहीं कहूँगा कि गलतियाँ, देखिए जो उस समय की पॉलिटिकल लीडरशिप है, ये बहुत गलत होगा कि हम कहें गलती की अनजाने में. सी यू कैन नॉट डाउट द इंटेंशंस नीदर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर देन प्राइम मिनिस्टर नीदर ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप. सी बट सिस्टमैटिकली अब इसी बहुत आसान है हिस्टोरियन के लिए 50-60-70 साल बाद बैठ के और उस समय की गलतियाँ निकालना, बट मैं आपको सीक्वेंसेस थोड़े बताता हूँ. See, for example, after this invasion was had taken place, the general perception was ki Pakistan khadeed diya gaya hai aur Kashmir safe and sound hai. The idea of plebiscite, janmat, you see, ye emerge hota hai. Main bhi bada interested tha is janne mein iske piche how did this idea originate? Where is the first root of this idea? Contemporary sense mein, bahut historians ne likha hai baad mein. See, you'll be surprised to know ki it is a general idea jo float hota hai between in a common, in a friendly discussion between Mountbatten and the Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru ji. Ye idea wahan se originate ho raha hai ki plebiscite. And Jawaharlal Nehru is, he accepts the idea of plebiscite. Ek aisa issue hai, you see, interestingly, jisko kaha gaya ki wo maang raha hai, Sheikh Abdullah, लिखते हैं एक जगह कि भी मैंने तो प्लेबिसाइट का कभी जिक्र किया नहीं है. तो प्लेबिसाइट का एक ऐसा मुद्दा खड़ा हो गया. प्लेबिसाइट बेसिकली मींस कि टू नो द ओपिनियन भी वहाँ के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं. प्रश्न क्या है, आज़ादी कॉन्सेप्ट नहीं है, यू मस्ट रिमेंबर दिस. पाकिस्तान भी कॉन्सेप्ट नहीं है. तो मैं ये समझ नहीं पाया कि प्लेबिसाइट किस चीज़ के लिए हो रहा था ना आज़ादी का. मैंने कंप्लीट उर्दू प्रेस देखी है, बिलीव मी कि मेरे ख्याल 1% भी कश्मीरी आज़ादी की बात, आज़ादी तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है 47 में. पाकिस्तान का मैंने बताई दिया आपको, कोई कश्मीरी मुसलमान पाकिस्तान जाने के लिए तैयार नहीं है 47, अपार्ट फ्रॉम ऑफकोर्स 1-4% जो होते हैं एलीट क्लास. वेरी वैलिड पॉइंट जो आपने कहा है. इसी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि देश का विभाजन 47 में एक एलीट वर्ग ने किया है. मैंने आपको पहले भी बताया जी, पार्टीशन लगभग वही सिचुएशन कश्मीर में है. इलीट क्लास का कॉन्सेप्ट है, आम कश्मीरी को ना पाकिस्तान में कोई रुचि है ना उसको कोई आज़ादी में रुचि है. वो सदियों से अपने आप को भारत का एक इंटेग्रल पार्ट मानते आया है. ये आइडिया दैट दिस ओरिजिनेट्स विद वी हैव अ डिफरेंट आइडेंटिटी, हम अलग हो सकते हैं, ये तो 30s में आता है. शेख अब्दुल्ला जब पहुँचते हैं कश्मीर उसके बाद ये आइडिया जनरेट होता है.
सो द आइडिया ऑफ प्लेबिसाइट इज समथिंग विच टेक्स पीपल बाय सरप्राइज. यानी बहुत लोग इस चीज़ से आश्चर्य मानते हैं कि भी क्यों, वाई वाई इज इट अराइजिंग. ये जो टाइटल है किताब का, ये ख्वाजा अहमद दब्बास उस जमाने में एक बड़े अच्छे प्रसिद्ध लेखक थे, बाद में भी रहे वो काफ़ी सालों तक. उस बम्बई से एक मैगजीन छपती थी करंट, तो करंट मैगजीन ने ख्वाजा अहमद दब्बास को कमीशन किया कि आप जाके दो तीन महीने कश्मीर में घूमिए और हमें आप ये बताइए कि कश्मीरी क्या चाहता है. ख्वाजा अहमद दब्बास का बहुत फैसिनेटिंग ये आर्टिकल है करंट में, जो मैंने इस किताब में डिटेल में रिसर्च किया हुआ, बट इन सम इन ब्रीफली क्या है, वो ये कहते हैं कि भाई मेरा तो मैंने जगह जगह घूम लिया हूँ, और कुछ लोग हैं कि ये मानते हैं कि भाई क्योंकि कश्मीर में मुसलमान बहुमत है इसलिए कश्मीर पाकिस्तान को जाएगा. मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने तो, मुझे तो एक भी कश्मीरी मुसलमान नहीं मिला जो कहता है कि मैं भारत से नहीं जुड़ना चाहता. ये जो बी क्लियर कश्मीर विल वोट फॉर इंडिया, एक्चुअली उस टाइम का आर्टिकल 49 का, ये जब वो प्लेबिसाइट की बात पूरा जोरों शोरों पर थी कि हाँ होना चाहिए. सी प्लेबिसाइट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अभी तक, अगेन आई एम प्रोबेबली द फर्स्ट पर्सन हु हैज रेज्ड दिस इशू, जो पहला इतिहासकार हूं जिसने उठाई ये बात. ये मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स देखे हैं रिसेंटली इस किताब के लिए, लेटर्स हैं प्राइम मिनिस्टर नेहरू के, जिसमें मैं खुद इनफैक्ट मुझे विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी हुआ होगा. वो कॉन्फिडेंशियल लेटर्स हैं, टॉप सीक्रेट लेटर्स हैं, अभी तक नॉर्मली अभी एक्सेसिबल नहीं रहे अभी तक. वो सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ नेहरू में भी वो नहीं है, जो बड़े प्रसिद्ध जो वॉल्यूम्स हैं सेलेक्टेड वर्क्स एंड राइटिंग्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू बाय एस गोपाल, उनका पार्ट वो नहीं है. उनमें कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो क्लियरली डिटर्मिन करती हैं कि प्राइम मिनिस्टर नेहरू खुद डबल माइंड में है. एक तरफ वो पब्लिकली जहां बोल रहे हैं वहां वो कहते हैं हाँ मैं प्लेबिसाइट के फेवर में हूँ, चाह तो होना चाहिए. अंदर अंदर जो अपने की टीम के साथ वो डिस्कस कर रहे हैं वहां वो कहते हैं कि नहीं, ये फिजिबल नहीं है. सी इस तरह के हमें जो मिलता है जब हाईएस्ट लेवल पर डबल माइंड है किसी इशू पर. अच्छा, क्या सर इसमें ऐसा भी था कि हो सकता है नेहरू की इंडिविजुअल इंटेंशन प्लेबिसाइट के पक्ष में बड़ी हद तक रही हो, पर जो उसके पार्टनर्स उनके रहे हैं, दिस इज पार्टनर्स का, इसी नेहरू वाज टू पावरफुल अ मैन, उसके पार्टनर का सवाल नहीं है. नेहरू का जो व्यक्तित्व है, नेहरू के आप असिस्ट तो कर सकते हैं पर नेहरू के साथ पावर शेयर करने का कौन नहीं, बिल्कुल साथी जो है ना, वो साथी कहेंगे वो देवर लाइक, बहुत अंतर है. एक ही आदमी है वो सामान्य स्थल पर खड़ा है जवाहरलाल जी के साथ, वो है सरदार पटेल. बाकी सब तो छोटे छोटे हैं, मतलब उनका नेहरू की कंपैरिजन में बहुत दूर है नेहरू से. वो तो नेहरू का एक विचार हो और किसी और का विचार कुछ हो और फिर नेहरू से प्रभावित, तो ये तो संभव नहीं है. ये संभव होता था कि नेहरू का विचार अन्य लोगों पर सुपरसीड करता था. इंटरेस्टिंगली सी बहुत से इश्यूज हैं जब आपने प्रश्न ऐसा उठा लिया है. ये सी कश्मीर इज द ओनली स्टेट इन 47 जो प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने अपने चार्ज में रखा है. मिनिस्टर फॉर स्टेट अफेयर्स यानी होम मिनिस्टर जो सरदार पटेल हैं, दैट टाइम इट इज कॉल्ड मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर फॉर अफेयर्स ऑफ स्टेट. ठीक है, ये एकमात्र स्टेट है जो पटेल के चार्ज में नहीं है. इस बात का सरदार पटेल एक जगह छोटा सा वर्णन अपना, पटेल एक बहुत उनका मैं कहूँ बहुत विस्तार हृदय था उनका, बहुत बड़ा हृदय था, और वो कभी ये नहीं कहते थे कि ये काम मेरा होना चाहिए था या मुझे मिलना चाहिए. उन्होंने कभी इस इशू पर उन्होंने एक जगह कहा है कि कश्मीर जो है, इनफैक्ट आपको शायद ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि पटेल ने 2 महीने के अंदर अंदर 2 बार इस्तीफा दिया है. दोनों जगह वो लेटर ड्राफ्ट हो गया, वो पहुंचा नहीं. एक जगह तो पहुंच गया प्राइम मिनिस्टर के पास, कश्मीर के मुद्दे में उनका अय्यंगर से झगड़ा हुआ. अय्यंगर ने कुछ गाड़ियां पंजाब से लेकर पटेल को बिना बताए वो कश्मीर भेज दी. पटेल ने उनको लेटर लिखा कि आपने ये कैसे किया, तो वो वार्तालाप हुई. वो उस जमाने में क्या था कि मैं आपको लेटर लिख रहा हूँ तो उसकी एक कॉपी मैं किसी और को भी भेज रहा हूँ अपनी टीम के कोर मेंबर्स को, तो वो कॉपी अय्यंगर ने पटेल की कॉरेस्पॉन्डेंस की प्राइम मिनिस्टर नेहरू को भी भेज दी. नेहरू ने उसको जवाब में पटेल को लिखा, वो लेटर बड़ा रफ था, बड़ा भाषा में थोड़ा कर, उसके जवाब में पटेल ने बहुत सख्त एक रेजिग्नेशन लेटर लिखा. वो सरदार पटेल की कॉरेस्पॉन्डेंसेज में आज अवेलेबल है, पर उसमें एडिटर ये लिखता है कि लेटर फाइल्स पर है पर ये भेजा नहीं गया क्योंकि पटेल को जब तक परसुएड कर दिया गया कि क्यों एक और मसला खड़ा कर रहे हो रेजिग्नेशन का, तो कश्मीर के मामले में तो कश्मीर वो मुद्दा था जिसमें जो एग्जैक्टली
पटेल पहले व्यक्ति हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, जो इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी साथ साथ चल रही है, संविधान बन रहा है, संविधान बन रहा है, बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं संविधान बना रहे हैं, पटेल पहले व्यक्ति हैं जो फ्लैग करते हैं इस इशू को कि ये जो सरदार पर जो जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की शपथ ली है, पर ये जो मुद्दा रेज कर रहे हैं मुझे तो ये ठीक नहीं लग रहा है। अय्यंगर को वॉर्न करते हैं कि भाई ये जो जिस रास्ते पर ये बात जा रही है मैं इससे सहमत नहीं हूँ और मुझे तो परेशानी है, आई एम नॉट हैप्पी विद दिस। पटेल इज़ ऑन रिकॉर्ड, आई हैव मेरी किताब में डिटेल से नोटिंग्स दे रखी हैं इसकी। पटेल ने क्या कहा कि ये बात जो जब तक 370 बना नहीं, बनने की बात हो रही है, ही इज़ आस्किंग फॉर दिस, ही इज़ आस्किंग फॉर दैट। पटेल फ्लैग्स दिस इशू एट अ वेरी अर्ली स्टेज। ओके, सो प्लेबिसाइट इज़ नॉट एन इशू। द सेकेंड मेजर इशू दैट आपको जानना बड़ा ज़रूरी है, सी इंडिया वेंट टू द यूनाइटेड नेशंस, आपको पता है जी रहा है। नाउ इसके भी अनेक पहलू हैं। अगेन यूनाइटेड नेशंस का आइडिया भी लॉर्ड माउंटबेटन से जनरेट होता है। सी नेहरू में एक विजन है, एक वर्ल्ड विजन है। सी ही इज अ वाइडली ट्रेवल्ड मैन, एक इंटेलेक्चुअल है, ग्रेट इंटेलेक्ट है, बहुत ब्रिलियंट आदमी है, पर उनके अंदर ये समहाउ दिस वर्ल्ड विजन वाला जो कॉन्सेप्ट है, नेशन स्टेट्स इमर्ज हो रहे हैं। सी यू हैव टू टेक योर माइंड बैक टू 47-48 उस जमाने में क्या हो रहा होगा, नए नए स्टेट्स उभर कर आ रहे हैं, उपनिवेशवाद खत्म हो रहा है, छोटे छोटे स्टेट पैदा हो रहे हैं, तो उस इमर्जिंग प्रोसेस में जवाहरलाल अपने आप को एक वर्ल्ड लीडर देख रहे हैं। और उनका ये मानना है कि 49-48 में जो नया बना हुआ अभी यूनाइटेड नेशंस है, जो अभी साल दो साल जी 45 में तो बना ही है, एक बच्चा ही है 2-4 साल का, और इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस के सामने पहली सीरियस प्रॉब्लम हमारी जाती है। और इंटरेस्टिंगली यू सी, अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स देखें तो उनकी डिबेट्स के अंदर भरमार रूप से, बहुत बहुत विस्तार रूप से क्रिटिसिज्म हो रही है। ट्रिब्यून जो लीडिंग न्यूज़पेपर है नॉर्थ इंडिया का और कश्मीर को डिटेल से कवर कर रहा है उस जमाने में, ट्रिब्यून ने तो लगातार एडिटोरियल पे एडिटोरियल, व्हाट हैव यू डन, वेयर वाज द नीड। इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान का हाई कमिश्नर इंडिया में वो भी कहता है कि भाई यूनाइटेड नेशंस को क्यों उलझा लिया आपने, यानी पाकिस्तान वाले भी नाराज हैं इस बात से। सो वी हैव गॉन टू द यूनाइटेड नेशंस। जवाहरलाल जी का व्यू ये था कि नहीं, लेट अस डू इट इन द राइट सिविलाइज मैनर। इनफैक्ट पार्लियामेंट में जब वो जवाब देते हैं बहस में, ही यूजेस द टर्म सिविल, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स के वॉल्यूम्स में ये साइटेड है, सिविलाइज, ही यूजेस द वर्ड, आई वांटेड टू डू इट इन अ सिविलाइज मैनर। वो एक वर्ल्ड लीडर की जो फिगर थी, वो वर्ल्ड लीडर, देखिए सी यू हैव टू लुक एट इट फ्रॉम बोथ साइड्स। अब इंटेंशन कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, गलती तो लगी उनको, मैं नहीं कह रहा हूँ, उस जमाने की जितने आप उठा के देखिए, आप लोहिया जी तो ही सो क्रिटिकल ऑफ इट, पार्लियामेंट्री डिबेट्स में 2-4 स्पीकर्स को छोड़ के एवरी वन इज अगेंस्ट इट गोइंग टू द, वी हैव गॉन टू द यूनाइटेड नेशंस। बाद में जवाहरलाल में खुद एडमिट करते हैं इस बात को कि यस वी हैव मेड अ मिस्टेक, अगेन इट इज अगेन ही इन पार्लियामेंट ही सेइंग दिस, यस इट हैज बीन अ मिस्टेक, हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी यूनाइटेड नेशंस से कि हमें वहाँ से रिलीफ मिलेगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस एक हॉटबेड का एक अड्डा बन गया, एक पॉलिटिक्स का अड्डा बन चुका है। मैंने बताया ना कि कोल्ड वॉर शीख पर है, 48 तक तो कोल्ड वॉर शिखर हो चुका है, वर्ल्ड बाइपोलर हो चुका है, और यूनाइटेड नेशंस यूएस के कब्जे में है, पर रशिया भी वहाँ प्रेजेंट है, यूएसएसआर भी प्रेजेंट है। सो इट वॉज अ बिग मिस्टेक। वही यूनाइटेड नेशंस एक रेजोल्यूशन पास कर देता है सीज़फायर का, एंड वी एक्सेप्ट इट। सीज़फायर के अगर आप कंटेम्प्रेरी रिकॉर्ड्स, कंटेम्प्रेरी प्रेस, कंटेम्प्रेरी रिएक्शंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, डिबेट्स में देखें, जहां भी देखें, इतनी जबरदस्त क्रिटिसिज्म है आप अनुमान नहीं लगा सकते। फील्ड कमांडर्स इंक्लूडिंग जनरल करियप्पा, ऑल फील्ड कमांडर्स कहते हैं आपने क्या कर दिया ये। सी सीज़फायर तो नॉर्मली वो आदमी सीख करता है जो बैकफुट पे हो, जो बैकफुट पे हो, एक कॉमन सेंस है। See, I am not talking about the implications of ceasefire. I am not saying कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर आ जाता नहीं आ जाता, but field commanders की reports जो version आता है वो ये कहते हैं भी this was a drastic step. वाकई जो तस्वीर सामने है वो बनी कैसे, समझना तो पड़ेगा उसे। ceasefire accept हो गया। जवाहरलाल जी का ceasefire के बारे में ये कहना था कि मैं इस conflict को ज़्यादा बड़े पैमाने पर नहीं जाने, इसी monetary तो ही there is a reference parliamentary debates में कि reference of money being spent, कि we do not have that money to continue a big war of this scale. सो आज का पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तो इशू ही ना होता अगर ये 10-1 दिन और लड़ाई चल जाती। अच्छा
हम सर फिर भी आपसे, हालांकि वाकई जो लोग, जो दोस्त हमारे इस किताब को पढ़ेंगे वाकई वो जान सकेंगे एक और एक उनका अपना विमर्श खड़ा हो सकेगा इस पूरे मुद्दे को लेके, पर फिर भी हम ये समझना चाहेंगे कि किस तरह से ये चीज़ें बदलती हैं, उसके बारे में थोड़ी सी आप रोशनी डालें। हरि सिंह जी किस तरह से अप्रोच करते हैं हमें और फिर वो कैसे सेना भेज, इसके बारे में प्लीज़ थोड़ी रोशनी। हरि सिंह जी के इस सारी परिस्थिति पर बहुत लिखा गया है, मैंने उसके ज़्यादा डिटेल से मैंने इस इशू में फिर भी आपने क्यों जी हाँ प्लीज़ मैंने डील किया है ब्रीफली। सी मेरा अपना व्यू ये है कि हरि सिंह का, हालांकि इसमें आलोचना भी लोग करेंगे, मेरा अपना व्यू कि महाराजा हरि सिंह, इसी वेरी इंटरेस्टिंगली देर इज़ एक लेटर, अभी एक किताब रिसेंटली आई है 5-7 महीने पहले, मेरी किताब छपने से 2 महीने पहले सौभाग्य से मैं देख पाया उसको, वो रामचंद्र काक की ग्रैंड डॉटर है, उनकी पोती हैं। रामचंद्र काक के जो प्राइवेट पेपर्स थे वो इंडिया में नहीं थे, वो ब्रिटिश लाइब्रेरी में थे। राधा रंजन ने, इस लड़की, जो लड़की लेडी हैं ये, इन्होंने अपने ग्रैंडफादर के पेपर्स को देखकर ही छोटी सी किताब निकाली, इट इज़ नॉट वेरी वेल पब्लिश्ड, ज़्यादा अच्छी नहीं बनी, बट कंटेंट बहुत रिच है। सी वो ये कहती हैं कि मेरे फादर का तो कोई एनोमली नहीं थी, मेरे ग्रैंडफादर का कुछ रिकॉर्ड्स इसी किताब में भी जिक्र, मैं भी खुद जब मैंने पढ़ा पहली बार आई वाज आल्सो अ बिट सरप्राइज्ड कि हरि सिंह जी की एक मीटिंग होती है महाराजा बिलासपुर और महाराजा मंडी के साथ, जिसमें वो कन्फेडरेशन की बात हो रही है कि, बट आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट सी पर्सनली, क्योंकि वो और इस तरह का रेफरेंस हमें किसी और रिकॉर्ड में नहीं मिलता है, मेरा अपना तो डाउट है कि ऐसा हुआ, क्योंकि ये राधा रंजन वाली किताब में जिक्र आता है कि महाराजा हरि सिंह ने मीटिंग करी दो महाराजाओं के साथ कि हम अपना छोटा सा एक राज्य बनाते हैं। नेबरिंग उनके थे वो, आई डोंट नो, आई पर्सनली मेरा व्यू ये है कि आई विल नॉट एग्री विद दिस हाइपोथेसिस, बट व्हाट इज मोर इंटरेस्टिंग दैट जवाहरलाल नेहरू का एक लेटर है, अगेन अभी तक अनसाइटेड है, प्रॉबेबली मैं पहला इतिहासकार हूँ जिसने उस लेटर को साइट किया है। वो लेटर क्या कहता है, इन फाइल्स में है वो, इंटरेस्टिंगली ये फाइल्स कौन सी है, ये दिस इज जवाहरलाल नेहरू पेपर्स ऑब्लिक सोनिया गांधी, एक एक जिक्र है, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड सोनिया गांधी बट बिकॉज टाइप फाइल्स का नाम ही ये है। उस लेटर में जवाहरलाल नेहरू मेहरचंद महाजन जी को एडवाइस कर रहे हैं कि एक्सेशन को थोड़ा डिले करो, यानी महाराजा को समझाओ कि इतनी जल्दी हस्ताक्षर ना करें। अब इसकी इंटरप्रिटेशन अनेक हो सकती हैं, कुछ इतिहासकारों का शायद ये मानना होगा, अभी जब ये डिस्कशन में नैरेटिव में आएगी ये चीज़ तो आई एम एंटिसिपेटिंग कि क्या इसका जवाब मिलेगा, तो ये शायद वो लोग ये कहेंगे कि जवाहरलाल ये चाहते थे कि अब्दुल्ला साहब आ जाएं और हम एक्सेशन हमारी हरि सिंह के माध्यम से ना होकर अब्दुल्ला के माध्यम से हो। यू गेट द पॉइंट, अब्दुल्ला एक मास लीडर हैं और सौदे से, मतलब कम से कम कहते तो ये हैं कि मास लीडर हैं भी, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल सबसे बड़े लीडर हैं, मतलब के नेता हैं। जवाहरलाल जी शायद ये चाहते हैं कि भी एक्सेशन जो कश्मीर की, उसी जवाहरलाल जी के माइंड में, बैक ऑफ द माइंड में प्रॉबेबली, इसी हम हिस्टोरियंस कई बार कल्पनाएं भी करते हैं, सुबह क्या हुआ होगा, क्या सोच रहा होगा, क्या सोचा होगा उस व्यक्ति ने, और देन वी ट्राई टू एनालाइज इट। सो मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग ये है कि जवाहरलाल जी पंजाब में मारकाट देख चुके थे, ठीक है, वो चाहते थे कि जितने मुसलमान मरे, हिंदू मरे, सिख मरे, कि मैं दुनिया के सामने से भी इमर्जिंग जो नेशंस हैं, न्यू नेशन स्टेट्स, वो इस्लामिक स्टेट्स हैं, तो मैं इस्लामिक वर्ल्ड को कम से कम ये संदेश दूंगा कि भी कश्मीर तो अपनी मर्जी से आया है, एक बहुमत से जीता हुआ लीडर शेख अब्दुल्ला उसको यहाँ लेके आया है, ना कि एक हिंदू राजा ने कश्मीर को हमारे में विलय कराया है। बिल्कुल, ये जो लेटर की इंटरप्रिटेशन मैं आपको दे रहा हूँ, मैंने अपनी किताब में इसको एक्सप्लेन किया है। और वाकई अगर जवाहरलाल जी की पर्सनैलिटी कैसे होल हम समझें तो यही अंदाजा लगता है, तो यही अंदाजा भी, सी अदरवाइज देयर इज नो रीजन। एक तरफ तो हम आलोचना करते हैं महाराजा हरि सिंह भी, उन्होंने यू नो विलय में विलंब किया, उन्होंने डिले किया उसको, दूसरी तरफ जो है वी हैव देयर इज दिस लेटर ऑन फाइल, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, नहीं बहुत इनफैक्ट ये क्रिटिकल पॉइंट है इस किताब का कि जो मैंने रेस किया है कि आई वॉन्ट टू नो कि हाउ वो लेटर का क्या मतलब है, वाई इज ही आस्किंग। एक तरफ तो महाराजा हरि सिंह को कहते भी आपकी वजह से सारा जमीला पड़ाए, दूसरी तरफ महाराजा को महाजन को कह रहे हैं महाराजा को समझाइए कुछ और डिले कर दें जब तक अब्दुल्ला पावर में, अब्दुल्ला अभी तक पावर में नहीं आया है, दिस इज अराउंड सितंबर के मध्य की बात है, अभी अब्दुल्ला रिलीज होना है जेल से, और अब्दुल्ला जैसे बनता है तो देन ही वांट्स कि अब्दुल्ला शुड बी इन द फोरफ्रंट, तो विलय हो ये। जो हमारे जो भारतीय पूरे के पूरे उपमहाद्वीप में जो नेता थे, हमारे रिवोल्यूशनरीज थे, और जो कश्मीर में जो लोग काम कर रहे थे, उनके बीच के संबंध कैसे थे, क्या वो अलग अलग थे, एक साथ जुड़ के? कश्मीर में कोई रिवोल्यूशनरी मूवमेंट पर से नहीं है,
सी कश्मीर की ज्योग्राफिकल लोकेशन को आप समझेंगे थोड़ा सा, तो मेन स्ट्रीम से थोड़ा कटा हुआ है. वहाँ कोई सच रेवोल्यूशनरी मूवमेंट या एंटी सी महाराजा हरि सिंह है. महाराजा हरि सिंह सरप्राइजिंगली आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, महाराजा हरि सिंह बहुत पॉपुलर लीडर है. ही इज अ वेरी पॉपुलर लीडर. इसी ये जो डोगराज और ये जो ये एक सी हिस्टोरिकल नैरेटिव में क्या होता है कि एक स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस है, दे प्रोजेक्ट हिम एज अ विलन. वो सभी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है. वो कुछ हद तक सच हो भी सकता है, बट ज़्यादातर इतना विलेनस नहीं रोल उनका है जितना उनको प्रोजेक्ट किया गया है. पूंछ के विद्रोह को, जो सो कॉल्ड पूंछ का विद्रोह है, जो मूल रूप से पाकिस्तान का आक्रमण है, उसको एंटी हरि सिंह बताया गया है. सी कृपलानी, आचार्य कृपलानी कांग्रेस प्रेसिडेंट रहे हैं, आचार्य कृपलानी श्रीनगर में है. वो कहते हैं सी एक मूवमेंट चली हुई है श्रीनगर में लेड बाय द नेशनल कॉन्फ्रेंस, इम्प्लिसिटली बाय अब्दुल्ला जो जेल में है, उनके चेले चला रहे हैं क्विट कश्मीर. क्विट कश्मीर क्या नहीं, हरि सिंह को कश्मीर से निकालो. हरि सिंह मीन्स कि हरि सिंह इज नॉट एन इंडियन सिटीजन, डोगरास को यहाँ से निकालो. इसी आचार्य कृपलानी कहते भी व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस, हरि सिंह तो उतने ही भारतीय जितना आप और हम हैं, वो कश्मीर छोड़ के क्यों जाएंगे. सी दिस इज द लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट. पर से जो फ्रीडम मूवमेंट है, फ्रीडम मूवमेंट में देखिए विकास, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, 45 के बाद फ्रीडम मूवमेंट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है. सी मुझे कई बार बड़ा आश्चर्य होता है कि ये देखकर लोग अमूमन अब अंग्रेज़ों के भी निकालने के, हम लोगों ने ये कर दिया वो कर दिया. एक्चुअली बहुत फ्रेंडली एटमोसफेयर है. 45 की अगर मैं आपको फोटोग्राफ्स दिखाऊं 45 के बाद की, ये एक मोर ऑफ पॉलिटिकल एक कमरे में बैठकर निर्णय हो रहे हैं. अंग्रेज़ों का जाना तय है भारत से. 45 के बाद अंग्रेज़ों की हिम्मत नहीं है कि वो भारत जैसे बड़े विशाल देश को वो संभाल पाएँ. वो कमज़ोर हो, टूट चुके हैं एज ए नेशन. वो आर्थिक रूप से वो बर्बाद हो चुके हैं. सारे उनकी कॉलोनीज भाग रही हैं, हम भी भाग रहे हैं. हम दो चार साल के बाद तो अंग्रेज़ों को हम हाथ पे हाथ रखकर भी बैठ जाते, तो भी अंग्रेज हमें जाने दीजिए, इजाज़त दीजिए जाने की. सो ये आम एक है ना कि अगर आप फोटोज़ देखें फेयरवेल डिनर्स की, 47 अप्रैल मई की दिल्ली की फोटोज़ देखें, जिस दिन माउंट बैटन छोड़ते हैं देश, अगर वो फोटोज़ देखें आप, तो आपको विश्वास नहीं होगा कि ये वही अंग्रेज़ हैं क्या जिनके खिलाफ हम लोग लड़ रहे थे. तो एक तरह से हमारे यहाँ जो एक प्रचलित जो एक वो एक पूरा का पूरा हमने वो अपनी साइकी बनाई हुई है मोमेंट्स को लेके, तो वो भी हमें सोचनी पड़ेगी कि ये नैरेटिव देखिए, एक वी आर पासिंग थ्रू एन एज कि कोई भी फ्रीडम स्ट्रगल को हम, ये बहुत मैं आपको एक बड़ी एक विचित्र अनोखी सी बात बता रहा हूँ, हो सकता है इसका विवाद भी हो, बट इट्स आई एम कन्विंस्ड ऑफ दिस एंड आई एम वर्किंग ऑन दोज लाइन्स. सी एक 60-70 साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता जब आप जवान और उम्र बढ़ेगी, आपके हमारे देखते तो नहीं होगी, बट एक जनरेशन ऐसी आएगी जो इस नैरेटिव को क्वेश्चन करेगी. क्योंकि जैसे जैसे अभी हम एक एक उस दौर से गुजर रहे हैं कि भाई जो भी कुछ हुआ स्वतंत्रता संग्राम में बहुत अच्छा हुआ, और हमारी मेहनत से और उससे हासिल हमने किया, कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए. हर आदमी जो जेल गया वो स्वतंत्रता बहुत बड़ा विशाल सेना उसका योगदान है. ये नैरेटिव क्वेश्चन हो रहा है, समझे ना. क्योंकि व्हाट इज द प्राइस यू पे. विनायक सावरकर के साथ जो गांधी जी का या जवाहरलाल जी का जो विवाद हुआ, क्या था सावरकर क्या कह रहे हैं कि भाई जो भी है देश का विभाजन स्वीकृत नहीं कर सकते हम. आप आज़ादी 4 साल बाद आ जाएगी, 10 साल बाद आ जाएगी. मुसलमान को न्याय तो आया नहीं था, मुसलमान को तो 1000 साल हो गए थे देश में रहते हुए. इस देश में आप मुसलमान को आधार बनाकर देश का विभाजन कर रहे हैं. मुस्लिम लीग, मैंने आपको लास्ट मेरे ख्याल व्हेन वी टॉक्ड एक्सप्लेन किया था. सी लॉट ऑफ लीडर्स आर क्वेश्चनिंग दिस. ये नैरेटिव जो है कि देश के विभाजन को स्वीकार, देश में आज़ादी लाने के लिए विभाजन को स्वीकार करना, ये नैरेटिव क्वेश्चन जरूर होगा और होना शुरू हो गया है. आई एम ऑल्सो क्वेश्चनिंग दिस नैरेटिव.